हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं वायरस या फिर विषाणु के बारे में, इसका जो इतिहास है, संरचना है और इनके जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो वायरस की मुख्य बातें होती हैं, इनकी जो विशेषताएं होती हैं जो इन्हें सजीव और निर्जीव दोनों ही बनाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिरकार विषाणु या फिर वायरस होता क्या है। तो यहाँ पे जो विषाणु या फिर वायरस है वो है लैटिन भाषा। यहाँ देखिए लैटिन भाषा से विषाणु या फिर वायरस लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष। विष मतलब कि जहर। तो यहाँ पे इसी से इसका शब्द या फिर अर्थ निकलता है। और इसका जो नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग विषाक्त या फिर टॉक्सिक रोग पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ के लिए किया जाता था। तो मेनली जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, विष होते हैं या फिर टॉक्सिक होते हैं, जो कि क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए 19वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, जो पदार्थ रोग उत्पन्न करे। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वप्रथम 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था कि चेचक विषाणु के कारण होता है। तो सबसे पहले जो विषाणु है उसके बारे में किसने पता लगाया, एडवर्ड जेनर ने। और उन्होंने देखा कि जो चेचक रोग होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और इसी से उन्होंने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर के बाद 1886 में एडोल्फ मेयर ने तंबाकू में मैजेक रोग का कारण वायरस को बताया था। देखिए तंबाकू या फिर जो वो होता है टैबेको, उसमें एक रोग पाया जाता है मैजेक रोग, उसका कारण होता है वायरस। तो सबसे पहले जो एडोल्फ मेयर थे उन्होंने देखा कि जो वो है तंबाकू है, उसमें वायरस की वजह से यह रोग हो रहा है। इसके बाद रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने भी 1892 में तंबाकू में होने वाले मैजेक रोग का अध्ययन किया। और उस जब उन्होंने अध्ययन किया उस समय विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया। इसके बाद बेर्जेनिक और बोर दो और लोग आए जिन्होंने तंबाकू के पत्ते पर इसका प्रभाव देखा। देखिए पहले जो थे एडोल्फ मेयर और इवानोवस्की, इन्होंने तंबाकू में जो मैजेक रोग होता है उसका कारण वायरस को बताया। पर इसके बाद और दो लोग आए, बेजेनिक और बोर, इन्होंने इसका प्रभाव देखा पत्तियों में और बताया। और उनका नाम जो वायरस जिसकी वजह से तंबाकू में यह रोग हो रहा था उसका नाम इन्होंने टैबेको मैजेक वायरस रख दिया। तो ये थे कुछ प्रमुख जानकारियाँ। अब हम बात करेंगे वायरस के बारे में जो खास बातें हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ है, वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि कर सकते हैं। तो इनकी एक मुख्य विशेषता है कि केवल ये जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। देखिए ये जब हमारे जब वो किसी जीव के शरीर से बाहर होते हैं वातावरण में, तो ये निर्जीव के समान पड़े होते हैं, मृत के समान। और जब ये शरीर के अंदर जाते हैं तो ये जीवित हो जाती हैं। यही बात वायरस को अलग बनाती है, इसीलिए इन्हें सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी माना गया है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों के समान अपना जो बिहेवियर है वो दिखाते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट होगा, इन्हें क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्ता अवस्था में रह सकते हैं, मतलब कि निर्जीव के समान बिना सांस या बिना किसी उपापचय क्रिया शरीर में किए बिना ये ऐसे ही पड़े रह सकते हैं सैकड़ों वर्षों तक। इसी कारण इन्हें निर्जीव
के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक बार जब विषाणु जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, वह कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में बदल देता है और वृद्धि करने लगता है। देखिए जो इंसान है, मतलब कि जिसमें वो रोग उत्पन्न करता है, उससे बाहर ये तो ऐसे ही पड़े रहता है मृत के समान, पर एक बार जैसे ही वो इंटर करता है, ठीक है, जीवित कोशिका के अंदर, तब ये क्या करता है, उस शरीर के अंदर जाता है और उस जीव के जो आरएनए और डीएनए की जो संरचना है उसे अपनी समान बना लेता है, अपने डीएनए और आरएनए के समान, और धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर वृद्धि करने लगता है और उस जीव को ये क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है उसके शरीर में। तो ये बातें, खास बातें हैं वायरस के बारे में, जिनमें इनकी कई जो बातें हैं वो सजीव के समान लगती हैं और कई बातें हैं जो वो निर्जीव के समान दिखाई देती हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे वायरस का आकार या फिर साइज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं जो वायरस का आकार है, सामान्यतः एक साइज है इनका, वो है 20 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक। यहाँ पे सबसे सूक्ष्म वायरस या सबसे छोटा विषाणु जो है वो है टैबेको नेक्रोसिस वायरस। देखिए टैबेको या फिर जो तंबाकू है उसमें एक रोग होता है नेक्रोसिस, और उसी का जो वायरस है, रोगजनक है, वो सबसे छोटा वायरस होता है और इसका जो परिमाप है वो है 17 नैनोमीटर। यहाँ पे सबसे बड़ा जंतु वायरस है पोटैटो फीवर वायरस। पोटैटो मतलब कि यहाँ आलू में रोग उत्पन्न करने वाला एक वायरस है जिसका परिमाप 400 नैनोमीटर तक होता है और यह सबसे बड़ा जंतु वायरस है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे इसके संरचना के बारे में या फिर स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो इनकी हिस्ट्री है, इनके संरचना को लेकर, वो क्या है। तो यहाँ पे एक स्टेनले नामक व्यक्ति थे, उन्होंने सन 1935 में टैबेको मोज़ेक वायरस, देखिए सबसे पहले जो मैं वीडियो में मैंने बताया था वही वायरस को किसके किस रूप में प्राप्त किया, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, ठीक है, और उसे उस जो वायरस है उसे टैबेको से, मतलब तंबाकू के पौधे से अलग किया क्रिस्टल के रूप में और बताया कि यह प्रोटीन का बना होता है। तो स्टेनले ने बताया था कि जो वायरस है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे नेक्स्ट थे बॉलेन तथा पियरे, इन्होंने 1938 में बताया कि इनमें आरएनए भी पाया जाता है। सबसे पहले स्टेनले ने कहा कि ये प्रोटीन का होता है, उसके बाद बॉलेन और पियरे ने कहा कि इनमें कुछ मात्रा में आरएनए या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसका फुल फॉर्म है वो भी पाया जाता है। अन्य विषाणुओं के रासायनिक अध्ययन से पता चला कि अनेक विषाणुओं में प्रोटीन और आरएनए के अतिरिक्त डीएनए भी पाया जाता है। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि जो वायरस है उनकी जो संरचना है उसमें तीन चीज़ें मुख्य होती हैं, पहला है इसमें प्रोटीन, दूसरा है आरएनए और तीसरा है डीएनए। पर यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात, मुख्य बात ये है कि जो डीएनए और आरएनए है वो एक साथ कभी भी नहीं पाए जाते। मान लीजिए किसी जीव में, किसी वायरस में यदि डीएनए है तो उसमें आरएनए नहीं पाया जाएगा, और यदि आरएनए है या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो डीएनए नहीं पाया जाएगा। अब हम इसकी मेन संरचना के बारे में देखते हैं। विषाणुओं की संरचना बहुत ही साधारण होती है। यहाँ पे इनके तीन मुख्य चीज पाई जाती हैं, जैसे मैंने अभी बता ही दिया है, पहला है डीएनए, सेकेंड है आरएनए और तीसरा है प्रोटीन। इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर किसी भी विषाणु की संरचना या फिर रचना बनती है। यहाँ पे डीएनए और आरएनए साथ में नहीं पाए जाएंगे। तो देखिए इनमें डीएनए और आरएनए की एक केंद्रीय कोर या फिर सेंट्रल कोर होती है, कॉइल के समान संरचना आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे कॉइल्ड आरएनए लिखा हुआ है, यहाँ पे मुड़ा मुड़ा सा दिख रहा है, वही क्या है, आरएनए है, आरएनए के जगह पे डीएनए हो सकता है, ठीक है।
और इसके चारों तरफ कैप्सिड नाम का प्रोटीन होता है जो इस डीएनए कोर या फिर सेंट्रल कोर को घेरे रखती है। आपको ग्रेप्स या फिर अंगूर के समान यहाँ संरचना दिख रही है, यही कैप्सिड है जो कि एक रचना बना रही है खंभे के आकार की, और इसके बीच में जो कॉइल के समान क्या है आरएनए या फिर डीएनए पाए जाते हैं। ये जो कैप्सिड है अंगूर के समान संरचना, वो इस सेंट्रल कोर डीएनए या फिर आरएनए को घेरे रखती है चारों तरफ से। और ये जो कैप्सिड है जो अंगूर के समान यहाँ जो संरचना मैंने बता दिया जो प्रोटीन की बनी है, वो कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे संरचनाएं हैं देखिए ग्रेप्स के समान, और इनमें से एक अंगूर या फिर एक ग्रेप्स को कैप्सोमियर कहते हैं। और जब ये सभी अंगूर, मैं यहाँ अंगूर का यूज़ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये दिखने में उसी प्रकार है और आपको समझ आए, और जब ये छोटी छोटी जो संरचनाएँ हैं अंगूर के समान वो एक साथ मिल जाएं तो इन्हें एक साथ कैप्सिड कहा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विषाणु के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ वायरस। यदि हम बात करते हैं तो वायरस तीन टाइप्स के होते हैं। वे जो रोग उत्पन्न करते हैं किसी भी जीव में उसके आधार पे इन्हें विभाजित किया गया है। ये मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, हम एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पादप विषाणु या फिर प्लांट वायरस। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु पादप विषाणु कहलाता है जो कि पौधों में क्या करता है रोग उत्पन्न करता है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। देखिए इनमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है टीएमवी टैबेको मोजेक वायरस, ठीक है, जो कि तंबाकू में रोग उत्पन्न करता है। ये एग्जाम्पल हो गया। हमारा सेकेंड टाइप है यहाँ जंतु विषाणु या फिर एनिमल वायरस। ये एनिमल या फिर जंतु में रोग उत्पन्न करता है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः डीएनए पाया जाता है और कभी कभी आरएनए होता है, मतलब कि कभी इसमें सामान्यतः अधिकतर डीएनए पाया जाता है पर कभी कभी कोई जो वायरस है जंतु वायरस है उनमें कभी कभी आरएनए भी देखा जाता है। इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो जीवों में इन्फ्लुएंजा रोग उत्पन्न करता है, और मम्पस वायरस जो गलसुआ होता है गाल सूज जाता है उस वायरस को मम्पस वायरस कहते हैं, और वो क्या में आता है जंतु विषाणु या फिर एनिमल वायरस। थर्ड यहाँ पे वायरस है बैक्टीरियो फेज या फिर जीवाणु भोजी। ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। देखिए इनका नाम इसीलिए रखा गया है बैक्टीरिया फेज या फिर जीवाणु भोजी क्योंकि केवल ये जीवाणु के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है। इनमें इनका जो एग्जाम्पल है वो है 2T फेज। तो जीवाणु भोजी किसके ऊपर आश्रित रहते हैं, केवल बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं। इनकी जो संरचना होती है जीवाणु भोजी की वो थोड़ी सी जटिल है, वीडियो लंबा बनेगा इसीलिए मैं यहाँ पे इसे अवॉइड कर रही हूँ इसकी संरचना बताने के लिए। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसे आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वायरस के बारे में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, और यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं तो, और हाँ बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।